एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफी टाइम बाद मैं अपने इस स्पेस में जो है वीडियो बना रही हूँ, अपने स्टैंड के साथ, अपने जो है इस पौधे के साथ। काफी टाइम हो गया क्योंकि मैं सिर्फ ब्लॉग वीडियो अपलोड कर रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं दिल्ली से बाहर गई हुई थी, बिहार गई हुई थी, तो सिर्फ आप लोग को ब्लॉग देखने को मिल रहा था। बट ब्लॉग के साथ साथ अब आप लोग को और भी वीडियोज देखने को मिलेगा। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हाय मेरा नाम सुमन है, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ डेली ब्लॉग्स, लाइफ स्टाइल स्क्रीन रिलेटेड वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज। अगर आप लोग को ऐसे वीडियोज देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी, साथ ही में लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यूजर आईडी नेम भी दे दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनेस्ट वे में अर्बन क्लैब के सैलून सर्विस का रिव्यू। और मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों को सारा कुछ जो है डिटेल में बता दूंगी, जो जो मुझे पता होगा। पर उससे पहले अगर आप लोगों को अर्बन क्लैब के बारे में नहीं पता, आपने अभी तक अर्बन क्लैब को यूज नहीं किया, सिर्फ नाम सुना है, तो मैं आप लोगों को उसका आपका जो है इंटरफेस यहाँ पे साइड में दिखा देती हूँ, आप देख लेना। तो सबसे पहले जो अर्बन क्लैब का जो मतलब ऐप ओपन होगा तो आपको सारे मतलब सिंपल वे में सब कुछ दे रखा है, सैलून, स्पा, मैकेनिकल, ये मतलब जो रिपेयर वगैरह नॉन होते हैं, और जो साथ के साथ आपको जो है क्लीनिंग मतलब किचन क्लीनिंग और टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो आपको कोई भी सर्विस लेना है तो अर्बन क्लैब से आप ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। आपको कोई भी डेट और टाइमिंग जो आपको प्रेफर लगता है, अगर आपको मतलब रात के 11 बजे चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम स्लॉट देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हो। तो मैं जो है अर्बन क्लैब से बेसिकली सैलून सर्विस लेती रहती हूँ, बिकॉज मैं वैक्स के बगैर नहीं रह सकती। मेरे को हैबिचुअल मतलब एक तरह से आदत है, मैं मतलब ना रेजर यूज करती हूँ और ना कुछ और, मैं सिर्फ और सिर्फ वैक्स यूज करती हूँ, बिकॉज उसके बाद जो हाथ सॉफ्ट होते हैं और जो टैनिंग हटती है वो आपके रेजर से नहीं होता है। तो बेसिकली मैं सिर्फ जो है अर्बन क्लैब की सर्विस लेती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पार्लर जाकर के अपना पैसा देते हैं और जाने और आने में जो है टाइम जो है अपना लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक रिव्यू किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सैलून नहीं जाती हूँ, मैं जरूर जाती हूँ, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अर्बन क्लैब की सर्विसेज लेती रहती हूँ क्योंकि मुझे उसकी सर्विस अच्छी लगती है। तो मैंने आप ही लोग के साथ जो है ऑनेस्ट वे में जो है रिव्यू करना चाहती थी, इसलिए मैं ये अलग वीडियो देकर के आई। उसे आई तो मुझे लगा मेरे फेस पे जो ना बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, तो इसलिए मैंने जो ना अर्बन क्लैब से फेस वैक्स करवानी चाहिए थी। बट आगे क्या हुआ, कैसी सर्विस मिली, इस वीडियो को अब लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आप लोगों को वीडियो में लेके चलती हूँ, जो सर्विस हुई है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अर्बन क्लैब वाले जो होते हैं वो अपना सारा सामान लेकर के आते हैं इस तरह से बैग में, और इनके बैग में सब कुछ रहती है जो मतलब हमें रिक्वायरमेंट होता है जिसके लिए हमने बुक किया है। तो वो और भी एक्स्ट्रा सामान लेके चलती है इनकेस कस्टमर का मन हो कि कुछ और लाइक पैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए या फेशियल वगैरह नोट करवाने के लिए, तो वो साथ में लेके चलती हैं और उसके लिए अलग से जो है एडिशनल वो चार्जेस लेती हैं। और अपना जो है प्लग एंड ऑल ये सब लेके चलती हैं कि कस्टमर से उनको कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े, एक्सेप्ट पानी और अगर उनको वॉशरूम यूज़ करना होगा तो। तो ये सर्विस लेन जब आप बुक करते हो तो अगर आपके घर पर ऐसे सर्विस देने के लिए अर्बन क्लैब से कोई पर्सन आते हैं तो वो OTP लेते हैं, तभी वो सर्विस स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक शीट वगैरह लेकर के आता है बेड पे जो बिछाते हैं, जिससे उनका आप जो आपके कस्टमर मतलब जैसे मेरा बेडशीट है वो ख़राब ना हो, इसलिए वो अपने साथ एडिशनली जो है शीट लेकर के आते हैं वाइट कलर का। और मैंने जो ब्राज़ीलियन वैक्स जो है मैंने जो बुकिंग की थी, सॉरी मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि मैंने जो है कौन सी सर्विस लेनी चाहती थी। तो मैंने फेस वैक्स लेना चाहती थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी गाँव से आने के बाद, और मैंने होल लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही बार वैक्स करवाया है, बट उसके बहुत पेन होता है ब्राज़ीलियन वैक्स में, और मतलब मुझे ना डर लगता है क्योंकि ना फेस कहीं लूज़ ना हो जाए और जो है ये सब का डर था। तो इसीलिए उन्होंने जो जो हमारे जिन्होंने मुझे सर्विस दिया था उन्होंने मुझे बताया आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अगर आप ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, और आपके जो ग्रोथ आएगी उसके जैसे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ब्लीच करवा लो प्लस D10 उसमें यूज़ डलवा लो।
तो उन्होंने जो है सबसे पहले मैंने तो फिर मैंने इस चीज़ के लिए मैंने एग्री कर लिया, क्योंकि मैंने दो तीन लोगों से पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि वैक्स फेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो इसीलिए मैंने ये जो है ईयरली सर्विस जो ब्लीच प्लस डिटेन था उसको मैंने लेने के लिए एग्री हो गई थी, क्योंकि स्किन फेस की बात है यार, तो फेस पे इतना मैं मतलब कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं लेती हूँ और अलग से चीज़ें नहीं करवाती हूँ, तो क्योंकि फेस से मैं बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हूँ, फेस पे एक भी पिंपल हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ट में हो जाती हूँ। और इससे पहले भी मैंने जो है एक सर्विस ली थी फेस के लिए, तो 1.5 साल मैंने सर्वे किया था, एनीवेज उसको भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लीच प्लस डिटैन लिया है और जो है उनके कहने पर, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया और मैं बहुत सारी बातें कर रही थी उनसे। और जो है नेहल जो है मतलब ये सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है जिनका खुद का बच्चा होता है और वर्किंग वूमेन हो, तो आप घर के लिए आप अर्बन क्लैब को बुक कर सकते हो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, और जो आप पार्लर जाने आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग वूमेन हो या हाउस वाइफ हो, आपको बच्चों को संभालना होता है, तो आप इजीली आप घर पे ये बुक करो, कोई भी स्लॉट जो आपको टाइम आपको जो प्रेफर लगता है उस टाइम पे आप बुक करके आप उनको बुला सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक घंटे पहले आपका जो है एक घंटे पहले भी आपको ये सर्विस मिल मतलब जो है एक घंटे पहले सर्विस आप ले सकते हो, तो उनसे आप कोऑर्डिनेट करो, तो एक डेढ़ घंटे पहले दो घंटे पहले आपके टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपके एरिया के आसपास के ही आपको जो है पर्सन मिलते हैं, तो वो मतलब उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्लीच कर रहे हैं, इसमें जो है डिटेन मिक्स कर दिया है और मतलब सारा कुछ, तो इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम थी, वैसे इतनी सारी सर्विसेज ली हैं तो कभी भी जो है शीट वगैरह जो है वो लेकर के आते हैं, और इसमें भी लेकर के आए थे, ये से ऑफकोर्स मेरे को याद आ गया। मैंने जो है वो वैक्स के लिए जो है शीट बिछा रहे थे बट मैंने शूट नहीं कर पाई थी, पर बाद में मैंने वैक्स के लिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि आप वैक्स मत करवाओ फेस पे, और कभी कभी जो है किसी और के सुन लेनी चाहिए क्योंकि अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने जो है वैक्स नहीं करवाया, क्योंकि फेस वैक्स से मुझे बहुत डर लगता है, और क्योंकि उसमें एक तो पेन भी बहुत होता है, पर पेन की कोई बात नहीं क्योंकि वैक्स कराती हूँ तो मुझे आदत पड़ गई है, बट जो मुझे स्किन लूज़ की जो टेंशन होती है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि स्किन लूज़ ना हो जाए और मेरी स्किन जो अभी सॉफ्ट है वो कहीं हार्ड ना हो जाए, तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया, और मैंने दो तीन और पार्लर वालों से बात की थी जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया। तो अगर आप कराते हो ब्रेजिलियन वैक्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग की क्या राय है, क्या करवाना चाहिए और क्या आप लोग को अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैं रेज़र यूज़ नहीं करती, चाहे वो वैक्स हाथ की बात हो, पैरों की बात हो, चाहे फेस की बात हो, मैं रेज़र यूज़ नहीं करती। तो मैंने उनके कहने पर जो है ब्रेजिलियन वैक्स करवा लिया और बहुत थोड़ी बहुत ईचिंग होती है, क्योंकि ब्रेजिलियन वैक्स नहीं करवाया, यहाँ पर मैंने जो है ब्लीच करवा लिया और थोड़ी बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मैंने होल लाइफ में थर्ड टाइम है जो मैं ब्लीच कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने कभी ब्लीच भी नहीं करवाया। मैं सीरियसली बता रही हूँ, शादी पे मैंने जो मतलब जो प्री ब्राइडल वाला जो पैकेज होता है वो लिया था, उसके बाद मैंने एक बार और करवाया था, तो उसके बाद से मेरा बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो उस वजह से मैंने जो है बंद कर दिया था ये ब्लीच और फेशियल वगैरह लेना, जो मुझे थोड़ा बहुत घर पे लगता था मैं वो कर लेती थी, अदरवाइज़ नहीं करती थी। बट मैं ये अर्बन क्लैब से मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है सर्विस, और मुझे जो सर्विस आगे मैं बताऊँगी इसका रिज़ल्ट कैसा है, तो वो चेक कर रही हैं कि कैसा मतलब जो मतलब पहले थोड़ा बहुत मिक्स कर रही हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो मेरे फेस पे अप्लाई किया उन्होंने ब्लीच वो अच्छे से सेट हो जाए। और उन्होंने मुझे बताया कि हर इंसान ब्लीच नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे ब्लीच का इतनी नॉलेज नहीं है, अगर मैंने इन एक वर्ड होता है मैं भूल गई हूँ, तो अगर वो ज़्यादा लग जाता डल जाता है तो वो ज़्यादा स्किन जो है बर्न हो जाती है। अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट डाउन मुझे बताना वो क्या वर्ड होता है, मैं भूल गई हूँ, तो मैं इसलिए उसका रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अगर मुझे कभी ब्लीच करवाना होगा तो मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है, ये मेरे पास आकर के वो मेरे को ब्लीच कर देंगी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है, बहुत सही है। तो ऐसे वो चेक कर रही थी कि क्या मेरे जो ब्लीच मैंने जो की उन्होंने जो लगाई थी वो ठीक से लग गया है कि नहीं लगा है, और जब वो मतलब पूरी श्योर हो गई कि ब्लीच अच्छे से लग गया है, देन जो है उन्होंने मतलब वो रिमूव किया है। तो ऐसा उनको कोई प्रॉफिट नहीं है कि मतलब उन्होंने उनका काम था, मैंने जो बुक किया था वो मुझे करके दे सकती थी, ब्रेजिलियन वैक्स करके चली जाती हूँ, बट उन्होंने मुझे जो सजेशन दिया था तो उस पर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल थी, इसलिए मैंने जो है जो ब्रेजिलियन वैक्स की जगह मैंने जो है ये ब्लीच लेना चाहा।
क्योंकि हर इंसान अपना प्रॉफिट दिखता है, दूसरे का बाद में देखता है। तो अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, इन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे अलग से कुछ अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने अमाउंट की मेरे को अर्बन क्लैप पे मैंने चेक कर लिया, इतने अमाउंट की थी, तो मुझे उतने ही अमाउंट की उन्होंने जो है ब्लीच भी थी उसमें, इसलिए मैंने दोनों जो है एक ही अमाउंट का, तो मैंने सर्विस ले लिया। और इसी बीच में मैंने नए नए एसी की मैं जो है सर्विस मतलब फ़ायदा उठा रही हूँ, गर्मी से बच रही हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। देख लो अर्बन क्लैप की वजह से मुझे कितने ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये एक पॉजिटिव है। तो ये मेरा काम हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो ब्लीच अच्छे से अप्लाई हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे ना अर्बन क्लैप की सर्विसेज इस मामले में बहुत अच्छी लगती है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेहल को अच्छे से देख भी रही हूँ, टीवी भी देख रही है, खिलाफ मतलब टाइम भी नेहल को दे पा रही हूँ, अपने बच्चे को दे पा रही हूँ, और मेरी भी सर्विस हो रही है, मेरे को मतलब जो है पैम्परिंग कर पा रही हूँ अपने आप को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आप लोग भी जो है अर्बन क्लैप को अभी यूज़ नहीं करते हो, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग को मिलेगी। और जो है सर्टिफाइड होते हैं इनके सर्विस, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अर्बन क्लैप की तरफ से ही आते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सीधा बात अर्बन क्लैप पर जाती है, और अगर कुछ भी इशू होता है तो अर्बन क्लैप वाले जो कस्टमर के हैं वो सुनते हैं, और आपको रिफंड या इन फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ का टेक केयर रहते करते हैं। मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसा, सिर्फ एक ही बार हुआ था, जो वैक्स करवाने पर मुझे थोड़े बहुत पिंपल्स हो गए थे, तो उन्होंने मुझे उसके लिए कंपनसेट किया था, अदरवाइज मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और मैंने जेन्युइन बात रखी है आप लोगों के सामने। तो मेरे फेस पे अच्छे से ब्लीच लग गई है, उन्होंने चेक कर लिया और जो है अच्छे से रिमूव कर दिया है। उन्होंने पानी से रिमूव नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला था कि पानी से थोड़ी देर बाद जाकर के आप साफ़ कर लेना, क्योंकि मेरे को थ्रेड जो है फोरहेड और अपर लिप्स करवाना था। मैंने फोरहेड और अपर लिप्स नहीं करवाया था क्योंकि मैं अभी जो दिल्ली जब आई थी तो मैंने वैक्सिंग करवाई थी और जो है थ्रेडिंग करवा ली थी मैंने सैलून जा कर के। मैंने फोरहेड और जो है अपर लिप्स नहीं कराया था क्योंकि वो फेस वैक्स में कवर हो जाता इस वजह से, बट नाउ मैंने यहाँ पे ब्लीच करवाया था तो इस वजह से मुझे थ्रेडिंग और फोरहेड करवाना पड़ा। और सीरियसली बताऊँ मुझे फोरहेड में कोई पेन नहीं होता, थ्रेडिंग में कोई पेन नहीं होता, अपर लिप्स में बहुत पेन होता है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए फेस वैक्स मतलब ब्रेजिलियन वैक्स करवाती हूँ अपने अपर लिप्स पे, बट धीरे धीरे पेन धीरे धीरे कम होता है। चलो कोई बात नहीं गाइस, तो यहाँ पर मेरा सारा जो है सर्विस पूरी हो चुकी है, वो जा रहे हैं सारा पैक वगैरह करके सामान, और जितना भी गंदा होता है वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ब्लीच का ये रिजल्ट निकल करके आया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मेरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील हो रही है। तो अगर आपने अर्बन क्लैप की सर्विस को लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को लगता है ये अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय।